नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम विल वसीयत और सेल डीड इस टॉपिक से रिलेटेड एक बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, हम सभी लोगों को पता होता है कि जब कभी भी विल वसीयत या फिर सेल डीड जैसे डॉक्यूमेंट को कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर विटनेस बनाए जाते हैं, जो आप सभी लोगों को पता है कि जब कभी भी विल वसीयत तैयार की जाती है या फिर सेल डीड को तैयार किया जाता है, तो दो गवाहों के साइन करना अनिवार्य होता है। और जब कभी भी इन दस्तावेजों से जुड़ा कोई भी वाद विवाद खड़ा होता है, तो इन दोनों गवाहों की जो कोर्ट के अंदर गवाही होती है वो बहुत मायने रखती है। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेकर आया हूं, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे कमेंट करके कहते हैं कि सर क्या हुआ, हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशन थी, पर जो विल वसीयत या फिर सेल डीड के अंदर गवाह थे वो तो अब बदल गए हैं, वो तो हमारे खिलाफ खड़े होकर कोर्ट में गवाही दे रहे हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप कैसे डील करें, वो मैं आज की वीडियो में आपको क्लियर करके देने वाला हूं। यानी कि सेल डीड और विल वसीयत के अंदर जो विटनेसेस हैं उनकी कितनी अहमियत है, ये आज आपको आज की वीडियो में क्लियर होगा दोस्तों। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं क्लियर कर दूं। मैंने कल अपने चैनल पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मद्रास हाई कोर्ट की साल 2023 जून के मंथ की अपडेट वीडियो दी थी, जहां पर ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने अब पुरुष की स्वयं अर्जित संपत्ति के अंदर महिला का बराबर का अधिकार होगा। जी हाँ, वह संपत्ति जो पुरुष ने खुद खरीदी है उसके अंदर एक महिला का बराबर का अधिकार होगा, इस चीज को अपनी जजमेंट में क्लियर कर दिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप यहां पर तुरंत कार्ड बटन पर क्लिक करके अभी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोग मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल डीड और विल वसीयत के बारे में। देखिए दोस्तों, संपत्ति को जब भी खरीदना होता है तो सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर एक वैलिड सेल क्या होती है, किस माध्यम से संपत्ति को खरीदा जाता है, यह चीज डिफाइन की गई है। जैसे कि अगर किसी भी संपत्ति का मूल्य 100 रुपये या उससे अधिक है तो उसको केवल और केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से ही खरीदा जाएगा, जिसको सेल डीड भी कहते हैं। अब दोस्तों, जब कभी भी आप सेल डीड एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो उसके अंदर दो विटनेस के साइन होना बहुत अनिवार्य है। अगर विटनेस के साइन नहीं है तो उस सेल डीड की कानून में अहमियत नहीं होगी दोस्तों। ठीक इसी प्रकार से जब बात आती है विल वसीयत की, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि विल वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जिसको रजिस्टर करवाना अनिवार्य नहीं होता। हाँ, उसके अंदर केवल वसीयत करता और दो विटनेस के साइन होने अनिवार्य है। अगर ऐसी वसीयत भी आपके पास है तो कोर्ट में आप उसको प्रोबेट कराकर अपने फेवर में प्रॉपर्टी कर सकते हैं। अब दोस्तों, इन दोनों सिचुएशन में आपको यह चीज एनालाइज हुई होगी कि विटनेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अब दोस्तों, कई बार लोग मुझसे कॉल पर कंसल्ट करते हैं, पर्सनली मीटिंग करते हैं कि सर जो विटनेस है वो तो हमारे खिलाफ ही बोलने लग गए हैं, वो तो लालची हो गए हैं, वो हमसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, अब कल को विटनेस ही हमारे खिलाफ खड़े हो गए तो हम क्या करें, हम तो उस केस को ही हार जाएंगे। जी नहीं दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कुछ चीजें, जिसके बाद आप यकीन माने कि अब जब वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको इतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके अगर आज कुछ इंपोर्टेंट प्रोविजन देखते हैं, जैसे सेक्शन 63 सब क्लॉज सी, तो ये कुछ ऐसे इंपोर्टेंट प्रोविजन है जो बताए गए हैं
कि विल वैसे जैसे दस्तावेजों को दो विटनेस के साथ अटैच कराना अनिवार्य है, और जब कभी भी इस प्रकार के विल असेट को चैलेंज किया जाएगा तो उन दोनों विटनेस को कोर्ट में बुलाकर एग्जामिन किया जाएगा। यानी कि विल वर्तियत की बहुत ज्यादा अहमियत हो जाती है विटनेस के ऊपर। अब दोस्तों मैं आपको यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट क्लियर कर दूं, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तरीके से निर्धारित कर दिया है कि अगर विल वसीयत के अंदर, सेल डीड के अंदर विटनेस ये कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि जब हमने विल वसीयत साइन की कि इस विल वसीयत या फिर सेल डीड में लिखा क्या है, हमने तो केवल इसको साइन कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में विल वसीयत या फिर सेल डीड को अमान्य नहीं ठहराया जाएगा। क्यों नहीं ठहराया जाएगा, क्या कंडीशन होगी, वो मैं वीडियो में आगे आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले डिस्प्ले पर आपको दिखाकर केस टाइटल डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद केस के बैकग्राउंड्स और फैक्ट्स क्लियर किए जाएंगे, आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर क्या क्लैरिफाई किया, ये चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। अब देखिए दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। केस टाइटल है हेम कुमार बाई वर्सेस सुमेर सिंह, इसको 25 सितंबर साल 2019 को पास किया गया था। इसका सिविल अपील नंबर है 8827/2011। अब दोस्तों केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड आपको क्लियर कर दूं कि आखिरकार केस के अंदर हुआ क्या था और आखिरी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन दी, ये चीज आपको क्लियर करके दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर प्लेंटिफ का कहना है कि वह प्रॉपर्टी के पोजेशन में भी है, उसी के पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप भी है, और प्रेजेंट केस में जो डिफेंडेंट है वो दो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट पेश करके अपने आप को मालिक बता रहा है। वहां पर सेल डीड की बात की गई है और विल वसीयत की बात की गई है। प्लेंटिफ का कहना है कि डिफेंडेंट इन दोनों फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट को कोर्ट में दिखाकर अपने आप को मालिक बता रहा है, जबकि ये वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। कारण, क्योंकि जिसने इन दस्तावेजों को एग्जीक्यूट किया वो ओल्ड लेडी थी, कैंसर से पीड़ित थी, और उनसे फ्रॉडुलेंट तरीके से इन दस्तावेजों को साइन करवाया गया था। नाउ दोस्तों, यहां पर डिफेंडेंट का कहना था कि नहीं, ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, जो वो ओल्ड लेडी थी उसने अपनी स्वयं इच्छा से सेल डीड और विल वसीयत के अंदर मुझे ओनर बताया, और प्रेजेंट केस में प्रॉपर्टी की ओनरशिप मेरे फेवर में ही आनी चाहिए। अब दोस्तों यहां पर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो विवाद का कारण है वो सेल डीड और विल वसीयत है। प्लेंटिफ का कहना है वो फ्रॉडुलेंट है और डिफेंडेंट का कहना है कि वो जेन्युइन है। अब यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब कभी भी इस तरीके के दस्तावेजों को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो विटनेस बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अगर आपने मेरी और भी वीडियोस देखी हो जहां पर मैंने आपको सिर्फ यही बताया है कि कैसे विल वसीयत को किस किस प्रोविजन के तहत कोर्ट में साबित किया जाएगा, वहां पर मैंने एक एक प्रोविजन बताया जहां पर विटनेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो मैंने आपको क्लियर किया। नाउ यहां पर डिफेंडेंट का यह भी कहना है कि जो विटनेस है अब वो इस चीज को साफ नकार रहे हैं कि उनको तो पता ही नहीं था कि दस्तावेज में लिखा क्या जा रहा है। हाँ, उन्होंने साइन जरूर किया है, पर उनको पता ही नहीं था कि आखिरकार डॉक्यूमेंट में लिखा क्या था। अब इस चीज को होने के बाद डिफेंडेंट के फेवर में नुकसान होने लगा, क्योंकि अगर विटनेस ही ऐसा बोल देंगे तो उनकी जेन्युइननेस कौन साबित करेगा। अब दोस्तों ये चीज काफी ज्यादा देखने को आजकल मिलती है, जहां पर विटनेस क्या करते हैं, वो मना तो नहीं कर सकते कि हमने जानबूझकर धोखे से साइन किए, क्योंकि उनको पता है अगर ऐसी कुछ गवाही कोर्ट में दे दी तो उनके अगेंस्ट में साबित हो जाएगी और वो भी सजा के पात्र बन जाएंगे, तो वो चलाकी से एक्ट करते हैं। वो क्या कहते हैं कि हाँ, हमने साइन तो किए थे पर हमें पता नहीं था कि इसमें प्रॉपर्टी बेचने की बात की गई है या फिर विल वसीयत की बात की गई है। अब सेम सिनेरियो भी दोस्तों यहां पर बन गया, जहां पर क्या हुआ कि विटनेस ने साफ इनकार कर दिया कि विल वसीयत और सेल डीड में हमें पता ही नहीं था कि प्रॉपर्टी डिफेंडेंट के फेवर में दी जा रही है। अब सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ट्रायल कोर्ट ने प्लेंटिफ के फेवर में फैसला दे दिया। अब इस तरीके से अपील होते हुए अब ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचता है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन पर बड़ी ध्यान देते हैं, कुछ एविडेंस पर बड़े ध्यान देते हैं, जैसे कि जो दो विटनेस है उनका कहना तो यही है कि हमें डॉक्यूमेंट्स में नहीं पता क्या था, पर उनमें से एक विटनेस ने यह बोल दिया कि हाँ, हमें पता तो नहीं पर जब ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड किए जा रहे थे तो जो सब रजिस्ट्रार थे उन्होंने पढ़कर भी बताया था शॉर्ट में कि ये दस्तावेज किस लिए एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। अब ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर नोटिस की। इसके अलावा दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यही क्लियर किया कि जो दोनों विटनेस है ये अनिवार्य नहीं कि उनको ये पता ही हो कि डॉक्यूमेंट में क्या किस तरीके से लैंग्वेज लिखी गई है। हाँ, अगर सब रजिस्ट्रार या वो अथॉरिटी जो डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर रही है उनके सामने उस डॉक्यूमेंट को रीड आउट करती है, चाहे जिस्ट में कर रही है यानी कि शॉर्ट पॉइंट में कर रही है,
तो यही माना जाएगा कि दोनों विटनेस की नॉलेज में ये चीज आ गई थी कि ये डॉक्यूमेंट किस वजह से एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। डिस्प्ले पर आपको दिखाकर मैं समझा देता हूं ताकि कंसेप्ट आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इट हैज बीन कंटेंडेड दैट बोथ द विटनेस हैव स्टेटेड दैट दे वर नॉट अवेयर ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि दोनों विटनेस का यही कहना है कि उनको डॉक्यूमेंट्स का पता ही नहीं कि उसमें लिखा क्या है व्हेन दे साइंड एंड विटनेस, जब उन्होंने गवाह के तौर पर साइन किया। अब आगे देखिएगा, विटनेसेस नीड नॉट नेसेसरी नोन व्हाट इज कंटेन्ड इन द डॉक्यूमेंट, यानी कि जो गवाह है ये जरूरी नहीं कि उनको पता ही हो कि दस्तावेजों में लिखा क्या है। फर्दर मोर व्हेन द विटनेस स्टेटेड दैट सब रजिस्ट्रार हैड टोल्ड द जिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि जब सब रजिस्ट्रार ने ये चीज शॉर्ट में क्लियर ही कर दी कि डॉक्यूमेंट में लिखा क्या है, तो यहां पर यही माना जाएगा कि वो अवेयर हो गए थे कि डॉक्यूमेंट किस नेचर का है, डॉक्यूमेंट किस वजह से बनाया गया है। तो यहां पर यही माना जाएगा कि वो जो दोनों विटनेस है वो इस चीज की नॉलेज रखते थे कि ये डॉक्यूमेंट विल वसीयत या फिर सेल डीड के लिए एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर जजमेंट में ये चीज साफ निर्धारित कर दी गई कि फ्यूचर में अगर कोई विटनेस इस चीज से मुकरता है कि मुझे नहीं पता कि डॉक्यूमेंट में लिखा क्या था, मैंने तो केवल साइन कर दिया, तो वहां पर ये चीज जिसके पक्ष में वो डॉक्यूमेंट किए गए हैं उसके अगेंस्ट में साबित नहीं होगी। और ये जो जजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जब कभी भी कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी, जहां पर क्लियर हुआ कि अगर विटनेस आपके खिलाफ बोलने लग जाए तो किस तरीके से डील करें, वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी तरफ से दी गई इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगती है तो छोटा सा अनुरोध मेरा रहता है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके अलावा अगर आप पर्सनली कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।